दौसा जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर किसान आक्रोश रैली के दौरान उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के गृह क्षेत्र में। आशा सहगिनियां पहुंची है किसान रैली में। वहीं आशा सहगिनियों ने अपनी मांगों को लेकर के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा को सौंपा है ज्ञापन। आप सभी को बता दूं, आशा सहगिनियों ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए। वहीं उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा क्षेत्र की आशा सहगिनियों को पहचानने से कर रहे हैं इनकार, तो दूसरी ओर महिला विकास मंत्री आशाओं को फ्री में दे रहे हैं वेतन। वहीं आशाओं ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा के ज्ञापन में लगाए हैं आरोप। साथ ही साथ आशा सहगिनियां अपनी मांगों को लेकर के 4 माह से जयपुर में कर रही हैं धरना प्रदर्शन। आशा सहगिनियां अपना अधिकार मांगने पर कांग्रेस खिला रही है आशाओं को जेल की हवा, तो वहीं आशा सहगिनियों ने सरकार पर भी आरोप लगाए। और ज्ञापन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा से आशाओं ने मदद की गुहार लगाई है। आशाओं को राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा ने आश्वासन भी दिया, तो दूसरी ओर आशा सहगिनियों की मांग को लेकर सरकार से करेंगे डॉक्टर किरोरी लाल मीणा आर पार की लड़ाई। मैं आशा सहयोगियों को वादे किए थे, कांग्रेस ने तो बहुत वादे किए थे, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, ना तो रोजगार मिला ना किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। वैसे ही आशा सहयोगियों का आश्वासन दिया था, अब मैं उनके साथ निकट भविष्य में सड़क पर उतरूंगा और चाहे लाठी चलाए सरकार, चाहे गोली चलाए, चाहे जेल में डाले। और उन्होंने मेरे को कहा था 20,000 आएंगी, मैंने कहा तुम 10,000 आ जाओ, तुम्हारा काम कराने की जिम्मेदारी मेरी है और ये करेंगे मुख्यमंत्री जी, इसलिए आप अपने नेताओं से बात कर लो, तारीख तय कर लो, मेरे को बता दो, उस दिन आप भी जयपुर पहुंच जाओ और मैं भी जयपुर, ठीक है? तुम्हारा काम कराएंगे बेटी, चिंता मत करो।